हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लेवल ऑफ नॉलेज। और मेरा नाम है उग्रसेन पुनिया। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो सेशन 2021-22 का सिलेबस है, जो कि आपके बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर से जारी किया गया है सेशन 2021 के लिए, 2021-22 के लिए। तो उसका हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो के अंदर, और ख़ास करके इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्या चेंजेज हुए हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं सिलेबस। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है जो आपका टाइम रहेगा पेपर का, वो रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। नंबर जो रहेंगे, मार्क्स जो रहेंगे पेपर के, 80 मार्क्स का पेपर होगा आपका, जैसे पहले होता आया था। सेशनल मार्क्स हैं वो भी सेम रहेंगे, और टोटल मार्क्स हैं वो भी 100 रहेंगे। तो इनमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो इसके अंदर सेक्शन आपको दिए गए हैं 5 सेक्शन, जिसके अंदर से 2 सेक्शन हैं वो तो बुक्स के हैं। पहला सेक्शन है रीडिंग स्टूडेंट्स, जो कि है अपना 15 मार्क्स का। दूसरा है राइटिंग सेक्शन, जो कि है 15 मार्क्स का। और तीसरा जो है ग्रामर, आपके नया सिलेबस के अंदर ऐड किया गया है ये टॉपिक, तो ये 8 मार्क्स का ग्रामर का टॉपिक भी इस बार आएगा। और टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो है वो 28 मार्क्स की होगी, और सप्लीमेंट्री बुक जो आपकी विस्तास है वो 14 मार्क्स की होगी। तो ये सारा सिलेबस आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद में देखिए और हम विस्तार से बात करते हैं इस सिलेबस के बारे में। सबसे पहले जो आपके आएगा सेक्शन ए, और सेक्शन ए के अंदर स्टूडेंट्स आएगा आपके रीडिंग जो है वो आपके, देखिए यहाँ पे आपको दिया 15 मार्क्स की रीडिंग आपकी आएगी। इसके अंदर 15 मार्क्स की रीडिंग में क्या क्या आएगा आप देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको ए नंबर पे दिया है फैक्चुअल पैसेज, ये आएगा आपके। और फैक्चुअल पैसेज के बाद आपके डिस्कर्सिव पैसेज और लिटरेरी पैसेज, 3 टाइप के पैसेज यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। तो 3 टाइप के पैसेज आपसे परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे, तीनों में से कोई भी 2 आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। यहाँ पे आपको साफ साफ दे भी रखा है, ये देखिए यहाँ पे पहला जो पैसेज आएगा वो 400 से 500 शब्दों में आएगा, और दूसरा जो आएगा वो 300 से 400 शब्दों में आएगा। स्टूडेंट्स, दोनों पैसेज हैं वो अलग अलग हैं, आप कंफ्यूज मत होइए। पहला जो पैसेज है कॉम्प्रीहेंशन, उसमें देखिए आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टेस्ट लोकल ग्लोबल एंड इनफ्रेंशियल कॉम्प्रीहेंशन, यानी छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि सीन पैसेज अनसीन पैसेज आप करते हुए आ रहे हो, उस टाइप के आएंगे। और ये जो क्वेश्चन आएंगे ये टोटल 6 मार्क्स के आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन देखिए नीचे दिए 2 नंबर पॉइंट पे, ये भी आएंगे वोकैबुलरी के, जैसे वर्ड फॉर्मेशन या इन्फेरिंग मीनिंग, कोई निष्कर्ष निकालने के लिए कह दिया मीनिंग का, जैसे मान लीजिए 1 वर्ड होते हैं उस तरीके से। तो 3 क्वेश्चन ये भी आएंगे इसके अंदर। तो इस पैसेज के अंदर कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन जो आपको लिखने हैं सीन पैसेज की तरह पैराग्राफ में से ढूंढ करके, और 3 आपको वोकैबुलरी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल जो मार्क्स आएंगे इस पैसेज के अंदर से वो आएंगे 9 मार्क्स, ठीक है। और दूसरा जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आएगा स्टूडेंट्स, उसमें देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, हर क्वेश्चन के नीचे 4-4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 300 से 400 शब्दों में ये पैसेज दिया होगा, नीचे आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है, आपको चॉइस दी जाएगी कि कौन सा इनमें से आंसर सही है, तो आप अपना पैसेज पढ़ करके और अपने आंसर का आसानी से उसमें पता लगा सकते हैं कि कौन सा इसमें आंसर सही होने वाला है। तो ये आपका सेक्शन ए स्टूडेंट 15 नंबर का जो है वो मैंने आपको बता दिया है, जिसके अंदर 2 पैसेज आएंगे, और ये दोनों के दोनों पैसेज हैं वो अनसीन पैसेज होंगे। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की। सेक्शन बी के अंदर देखिए स्टूडेंट, सेक्शन बी के अंदर आपको यहाँ पे दिया है 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कंपोजिशन, आपको 80 शब्दों के अंदर लिखना होगा। आपको दिया गया है यहाँ पे 80 शब्दों के अंदर ये जो क्वेश्चन आएगा आपको ये लिखना है। इसके अंदर देखिए ये जो कंपोजिशन है इसमें क्या क्या आएगा आपको नीचे इसके बारे में बताया भी है। यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट आ सकता है, इसमें नोटिस आ सकता है, आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इनविटेशन, इनमें से कोई भी आ सकता है स्टूडेंट्स। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो इस राइटिंग सेक्शन में चेंज हुई है वो ये है कि यहाँ से आपका जो पोस्टर वाला सेक्शन था वो हटा दिया गया है इसमें से। इस बार सेशन 21-22 के अंदर पोस्टर नहीं आएंगे आपके, तो पोस्टर वाले टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस और आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक और एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशन, इनमें से 2 आएंगे, उनमें से आपको 1 करना है, कोई भी 2 आ सकते हैं इनमें से। एक्सेप्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक, ये वाला जो
आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है टॉपिक, ये ऐसा है जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक दे देंगे आपको और कहेंगे कि इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में आप अपने तर्क दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको टॉपिक दे दिया कि मोबाइल फ़ोन फॉर स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों के लिए मोबाइल फ़ोन, तो अब आपको बताना है फ़ायदेमंद किस तरीके से है और नुकसान भी क्या क्या है, दोनों चीज़ें आपको बतानी होगी। तो ये जो टोटल इसके जो मार्क्स आपको दिए गए हैं यहाँ पे, चार नंबर का ये कंपोजिशन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में इसके अंदर जो दूसरा आएगा वो आएगी रिपोर्ट, स्टूडेंट एक रिपोर्ट आएगी, कोई भी आपको इवेंट दे दी जाएगी उस पर रिपोर्ट आपसे पूछी जाएगी 100 वर्ड्स के अंदर, या फिर यदि मान लीजिए रिपोर्ट नहीं आती है तो आगे दिए देखिए यहाँ पे ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी, आपको एक पैसेज दिया जाएगा उसका आपको कहा जाएगा कि इसका हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, और इसके मार्क्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं 5 मार्क्स का ये होगा, या तो रिपोर्ट आ जाएगी या फिर एक पैसेज दे देंगे कि हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए इसका, तो ये 5 मार्क्स का आप अच्छे से याद कर सकते हैं इसको। इसके बाद में इसमें तीसरा जो सेक्शन है वो है स्टूडेंट लेटर का, तो लेटर के अंदर देखिए आपको यहाँ पे ए नंबर के अंदर दिया बिजनेस या ऑफिशियल लेटर आ सकता है, जो कि पहले आते थे। बिजनेस और ऑफिशियल लेटर में कौन कौन से आ सकते हैं ये देखिए यहाँ पे, मेकिंग इंक्वायरीज, इंक्वायरी करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको बैंक में अकाउंट खोलना है तो आप बैंक मैनेजर को पत्र लिख सकते हैं इंक्वायरी करते हुए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या प्रोसेस रहती है इसकी, इस तरह से आप पूछ सकते हैं। कोई बिजनेस करते हैं तो भी दूसरी फर्म से आप पूछ सकते हैं, कोई सामान मंगवाना है या कोई भी चीज़, ठीक है। रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, आपको कोई शिकायत दर्ज करवानी है, मान लीजिए आपके मोहल्ले के अंदर सफाई व्यवस्था टाइम पे नहीं हो रही है, या आपके स्कूल के पास में कोई शराब की दुकान है, कलेक्टर को पत्र लिखना है, या कोई और किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करवानी हो तो वो भी आता है। आस्किंग फॉर एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन, ये भी है, आपको कोई सूचना लेनी है या कोई सूचना देनी है किसी को तो वो भी आप इसके अंदर आ सकता है। प्लेसिंग ऑर्डर एंड सेंडिंग रिप्लाईज, ऑर्डर प्लेस करना है कोई या कोई रिप्लाई भेजना है तो वो भी इसके अंदर आ सकता है। तो एक तो ये हो गया लेटर, बिजनेस या ऑफिशियल लेटर। दूसरा इसके अंदर आता है लेटर टू एडिटर ऑन वेरियस सोशल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़, कोई भी इंटरनेशनल इश्यू पर या नेशनल इश्यू पर या कोई सामाजिक आपको इश्यू दे दिया जाएगा उसके ऊपर आपको कहेंगे कि एक लेटर लिखिए एडिटर को, तो आप जो लेटर टू एडिटर है उनको भी अच्छे से तैयार कर लें। सी सेक्शन दिया एप्लीकेशन आ सकती है, जिसके अंदर खास तौर से जॉब की एप्लीकेशन आती है, ठीक है। उसमें आपको CV बनाना होता है, रिज्यूमे आपका जो होता है करिकुलम विटे वो आपको बनाना होता है, तो वो आप देख लें अच्छे तरीके से किस तरीके से जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें किस तरीके से जो है वो बनाते हैं रिज्यूमे आपका, ठीक है। तो ये इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, एक आपके ग्रामर का टॉपिक नया शामिल किया गया है, ग्रामर का जो टॉपिक है वो पहले नहीं आता था, इस बार आपके इसमें ऐड कर दिया गया है और ग्रामर के 4 टॉपिक आपके इसके अंदर शामिल किए गए हैं, जिसके अंदर से पहला जो है वो है क्लोज का, तो क्लोज नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज या रिलेटिव क्लोज, इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, ये 2 मार्क्स का होगा ये टॉपिक। दूसरा जो टॉपिक है इसमें वो है सिंथेसिस का, ये भी 2 मार्क्स का होगा, सिंथेसिस आपसे पूछे जा सकते हैं। सिंथेसिस के बारे में जैसे 2 सेंटेंस आपको दे दिए, उनको कहेंगे कि इनको 2 को जोड़ करके 1 सेंटेंस बनाइए। तीसरा जो टॉपिक है वो है इसमें फ्रेजल वर्ब का, फ्रेजल वर्ब भी आपको ब्रैकेट में आगे दिए देखिए, ब्रेक, ब्रिंग, कैरी, कम, गेट, पुट, टर्न, तो ये जो आपको दिए इनकी फ्रेजल वर्ब आपको याद कर लेनी है, इनका ट्रांसलेशन हिंदी अर्थ जो है वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, तो फ्रेजल वर्ब आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। फिर 4th पॉइंट आपको दिया है स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस कौन से आते हैं देखिए, मोशन वाले आ जाएंगे, टाइम वाले आ जाएंगे, स्पेस वाले आ जाएंगे, या मेंटल एटीट्यूड वाले प्रीपोजिशन। तो ये वाले प्रीपोजिशन जो 4 टाइप के आपको दिए हैं, मोशन, टाइम, स्पेस, मेंटल, ये प्रीपोजिशन आप तैयार करें, ये भी 2 मार्क्स का आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर के स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जो ग्रामर है वो 8 नंबर की है और प्रत्येक टॉपिक है वो 2 मार्क्स का आपके आएगा, क्लोज, सिंथेसिस, फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशन, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। अब आगे चलते हैं सेक्शन सी के अंदर जो कि बुक्स से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से आप समझ लें इसको, क्योंकि बुक्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो आपका सेक्शन है स्टूडेंट्स, ये 42 यानी 42 मार्क्स का है, यानी दोनों जो बुक्स हैं आपके वो दोनों बुक्स 42 नंबर की आपके एग्जाम के अंदर आएगी, तो आधे से ज़्यादा पेपर तो आपका बुक्स में से आएगा, तो इसलिए बुक्स को अच्छे तरीके से तैयार करें। अब बुक्स में से क्या क्या आएगा, कौन सा क्वेश्चन किस तरह का है वो हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लेमिंगो बुक्स की, तो फ्लेमिंगो बुक जो है वो आपके यहाँ पे नीचे दिया देखिए 14 मार्क्स की है, 14 नंबर की फ्लेमिंगो बुक है वो आएगी। तो फ्लेमिंगो बुक में क्या क्या आएगा देखिए, नंबर 1 पे दिया 1 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन्स इंक्लूडेड इन टेक्स्ट बुक अप्रोक्सीमेटली 100 वर्ड्स ईच, तो
तो आपको एक एक्सट्रैक्ट आएगा, यानी एक पैसेज आएगा, आप इसको बोल सकते हो सीन पैसेज, एक सीन पैसेज आएगा और सीन पैसेज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब इसमें देखिए चार जो नंबर दिए हैं वो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, टेस्टिंग, लोकल, ग्लोबल, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये पूछा जाएगा आपसे एक तो। और दूसरा जो इसके अंदर दिया है क्वेश्चन ऑन वोकेबुलरी, वोकेबुलरी पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अंदर क्या आ सकता है, सिमिलर वर्ड आपसे पूछा जा सकता है या फिर ऑपोजिट वर्ड है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो आप दो नंबर का ये जो सिमिलर वर्ड या ऑपोजिट वर्ड आपसे पूछेंगे पैसेज में से ढूंढ के लिखना होगा, तो उसकी भी तैयारी करें आप अच्छे से। तो ये जो टोटल क्वेश्चन आएगा पहला, जो कि एक सीन पैसेज होगा आपकी बुक में से, प्रोज वाली बुक, फ्लेमिंगो नाम की जो बुक है उसमें से, ये जो है ये आपका, आपको यहाँ पे नंबर दिए हैं इसके छः नंबर का ये होगा। चार नंबर के क्वेश्चन होंगे जो कि आपको पैसेज में से ढूंढ के लिखने हैं, दो नंबर की वोकैबुलरी पूछेंगे, जैसे सिमिलर वर्ड पूछ लिया या विलोम शब्द आपसे पूछ लेंगे। तो एक तो ये आ गया, ठीक है। दूसरा जो इसमें आएगा, यहाँ पे आपको दे रखा है देखिए, वन आउट ऑफ टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी दो बड़े क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनमें से आपको किसी एक का आंसर देना होगा और ये 80 शब्दों में आपको देना होगा, और इसके मार्क्स भी आप यहाँ पे दिए हुए हैं। ये चार नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, दो बड़े क्वेश्चन आएंगे जिसमें से एक आपको करना होगा, ठीक है। और फिर तीसरा जो पॉइंट है इसमें देखिए, दो छोटे प्रश्न आएंगे, टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, छोटे प्रश्न मतलब 20 से 25 शब्दों में इसका आंसर आपको देना होगा। तो दो छोटे जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके इसमें से दोनों के दोनों आपको करने होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन दो नंबर का होगा, तो दो ये चार नंबर का ये हो गया। तो ये तो आपका प्रोज वाला हो गया, फ्लेमिंगो जो बुक है उसमें से हो गया। अब हम बात करते हैं पोइट्री की, पोइट्री में से क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए पोइट्री का यहाँ पे आपको दिया हुआ है, वन आउट ऑफ टू रिफरेंस टू कंटेक्स्ट, स्टूडेंट्स ये पहले नहीं आता था, इस बार आपके शामिल किया गया रिफरेंस टू कंटेक्स्ट, यानी पोइम में से आपको एक स्टेंजा दी जाएगी, एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, उसका आपको एक्सप्लेनेशन बताना होगा। जैसे आपको लिखना होगा रिफरेंस, आपको लिखना होगा कंटेक्स्ट, आपको लिखनी होगी एक्सप्लेनेशन, आपको लिखना होगा क्रिटिकल नोट। तो ये नया टॉपिक शामिल किया गया है रिफरेंस टू कंटेक्स्ट, इसको आप अच्छे से याद करें और छः नंबर का ये आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद में देखिए, दो बड़े पर्सन, ये भी पहले नहीं आते थे, बड़े क्वेश्चन पोइम में से 80 शब्दों के अंदर इस बार आएंगे, तो पोइम के अंदर से भी बड़े क्वेश्चन आएंगे, इस बार दो आएंगे जैसे प्रोज में से आया था। तो आप दोनों को तैयार करें 80 शब्दों के अंदर, आपको उसका आंसर लिखना होगा, और ये जो इसके जो मार्क्स हैं वो आपको यहां पे 4 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं, तो इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो स्टूडेंट्स उसके बाद में हम बात करते हैं पोइम में से जो छोटे क्वेश्चन आते थे पहले चार, वो कम कर दिए गए हैं, अब दो क्वेश्चन आएंगे छोटे आपके 20 से 25 शब्दों में, और ये चार नंबर का टॉपिक आपके आएगा। तो ये पोइम का यहाँ पे दिया हुआ है सारा आपके, एक तो रिफरेंस टू कंटेक्स्ट आ जाएगी, दो देंगे उनमें से एक ही करना होगा, दो बड़े पर्सन आएंगे पोइम में से, दो होंगे उनमें से एक करना होगा, और दो छोटे पर्सन भी होंगे जिनमें से आपको एक करना होगा। इनके मार्क्स इनके सामने दिए गए हैं, आप आराम से देख सकते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट्स बात करते हैं दूसरी बुक की, जो कि विस्तास है। इसमें देखिए सबसे पहला, वन आउट ऑफ टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी बड़े क्वेश्चन आएंगे दो आपके, जिसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन है वो करना होगा, ठीक है, दोनों में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन है वो करना होगा। तो इसके जो मार्क्स आपको दिए गए हैं सामने, वो देखिए 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। दूसरा, टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी दो छोटे क्वेश्चन भी आएंगे जिनका आपको 20 से 25 शब्दों के अंदर आंसर करना होगा, तो ये चार नंबर का, जैसे प्रोज में से फ्लेमिंगो में से आया था उसी तरीके से इसमें भी आएगा। उसके बाद में नया जो टॉपिक है इसमें आया, देखिए 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें, 6 एक एक नंबर के, यानी उसके अंदर आपको चॉइस दी गई होगी। तो ये क्वेश्चन करने के लिए तो आपने यदि लेसन अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं, आप आराम से कर सकते हो। तो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है वो बहुत आसान होंगे आपके लिए, यदि आपने लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन अच्छे से पढ़ लिया है तो। तो आपको हर क्वेश्चन के नीचे चार चार ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें से आपको कोई भी सही ऑप्शन है उसका चुनाव करके उसको लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, कक्षा 12 का आपके सामने है, आप इसको इस तरीके से ही तैयार करें ताकि आपके बोर्ड के अंदर 2022 के अंदर जो परीक्षा होगी 12वीं की, उसमें आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे मार्क्स आपके आए। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।